पीने के पानी को लेकर शहर वासियों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। मामला जिला मुरादाबाद के करूला वार्ड नंबर 25 गली नंबर 1 रहमत नगर का है, जहां कोरोना जैसी महामारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिसकी स्वच्छता को लेकर शासन प्रशासन सक्रिय है। जहां सरकार स्वस्थ भारत को लेकर साफ सफाई का विशेष ध्यान रख रही है, वहीं खाने पीने की चीजों को लेकर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शहर मुरादाबाद के करूला रहमत नगर निवासी आज भी पीने के पानी को तरस रहे हैं। स्थानीय निवासी महिलाओं का कहना है कि 3 या 4 दिन के बाद पानी आता है, और वो भी जब पानी आता है तो बहुत ही बदबूदार और गंदा होता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि 30 रुपए का एक वाटर कूलर लेकर पानी से गुजारा करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का परिवार बड़ा हो तो उसे 2 वाटर कूलर लेने पड़ते हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार हम वार्ड के सभासद से कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। वहीं महिलाओं का कहना है कि साफ सफाई की हालत भी बहुत खराब है। सफाई कर्मी के ना आने की वजह से मोहल्ले के लोग अपने ही हाथ से सफाई करते हैं, जिसकी गंदगी आज भी देखने को मिल सकती है। जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार साफ सफाई को लेकर तरह तरह के अभियान चला रही है, वहीं करूला में बद से बदतर हालात देखने को मिल सकते हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय आज हम यहाँ मौजूद हैं जिला मुरादाबाद में, शहर मुरादाबाद के करूला रहमत नगर गली नंबर 1 में। यहाँ आने पर, देखने पर और जानकारी लेने पर हमें कुछ पता चला कि यहाँ ग्रामीणों की या यहाँ के जो नगरवासी हैं रहता है, उनकी इतनी परेशानियां यहाँ पानी को लेकर के आई है। पीने का पानी उन्हें यहाँ शुद्ध नहीं मिलता, पहली बात तो मिलता ही नहीं है। कई कई दिनों में यहाँ पानी आता है और आने के बाद जो भी पानी आता है वो ना तो पीने लायक होता है और ना ही किसी और के इस्तेमाल के लायक, जिससे कई तरह की बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। यहां लोगों से बात करने पर हमें जो जानकारी मिली है, आइए उस जानकारी को आप तक भी पहुंचाते हैं कि जनता की किस तरह की पानी को लेकर समस्याएं यहां मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मुसलमानों जी क्या कहना चाहती है आप? मतलब पानी मिलता है रेगुलर? नहीं आता, कभी आता नहीं है। कितने दिन हो जाते हैं? 3 दिन हो जाते हैं। मतलब अभी तक भी कोई समस्या आपकी हल नहीं हुई? अच्छा, कितने समय से चल रहा है पानी का इस्तेमाल? 6-7 महीने। तो पीने के लिए वही पानी आप इस्तेमाल करते हैं? पीने के लिए यहाँ आप रहती हैं, अपने रहने के रिहायशी इलाके में किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं? हम ये करते हैं, अपने हाथों से नाली साफ करते हैं, अपने हाथों से कीचड़ देखते हैं, सफाई करनी नहीं है। कर्मचारी ना आता, उनके सबके पास जाते तो कहते तुम तो ऐसी करो, हो जाएगी। मतलब शिकायत रखने का आपको ये जवाब हो जाएगा? कितने बार सफाई कर्मचारी कितने कितने दिन में आते हैं? अरे सकीना जी क्या कहना चाहती है, क्या परेशानी लगती है पानी के लिए? पानी की परेशानी है, जैसे मेरे वाटर कूलर तो आता है, गंदा पानी आता है। गंदा पानी मतलब कितना गंदा आता है? क्या बिल्कुल पीने योग्य नहीं होता या फिर नहाने में भी दिल नहीं चाहता पानी? पीने में बदबू आती है उसमें, तो पीने के लिए कहाँ से पानी इस्तेमाल करते हैं? मेरे वाटर कूलर लेते हैं, खरीदना पड़ता है। इसकी शिकायत थी कभी? अभी तक कोई सुनवाई आपको हुई है? रेडीमेड मंगाते हैं, मोमन नहीं जी, रेडीमेड मंगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं पानी बच्चों के लिए पीने के लिए। और वार्ड वाले मेंबर जो हैं हमारे, उनसे कई बार शिकायत करती है, कोई सुनवाई नहीं है। कितने रुपए मिलते हैं इसके? लेते हैं 30 रुपए रोज का रहते हैं। तो जिस परिवार में सदस्य ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि पूरा पड़ जाता है। इसको लेकर के कभी शिकायत आपने रखी है? हाँ, वार्ड वाले जो मेंबर हैं उनसे कहा था, बोले हो जाएगा। कितना समय से ये समस्या यहाँ पर आ रही है? काफी टाइम से अब नहीं। अच्छा, पानी आता कितने कितने दिन में? पानी सुबह में आता, फिर दोपहर में चला जाता, फिर शाम में आ जाता, कभी नहीं आता। जैसे कि यहाँ बताया है कई दिन पानी नहीं आता, तो इस बीच में जो पानी की समस्या है उसको किस तरह से हल किया जाता है? 8 दिन में 2-3 बार आता, 4 बार आता जी। पानी को लेकर के काफी चिंता है। आपने देखा यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है, किस हद तक की समस्याएं यहाँ सामने आ रही हैं, गंदगी को लेकर, नाली को लेकर, पानी को लेकर, जो कि
अपने आम जीवन में इंसान की बहुत ही जरूरी ये चीजें हैं, साफ सफाई और पानी। इसी को लेकर अगर इंसान परेशान रहेगा, बदहाल रहेगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि किस तरह के आगे आने वाले समय में यहाँ हालात हो जाएंगे। इसको लेकर के कई बार यहाँ लोगों ने शिकायत भी रखी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई समाधान इन्हें नहीं मिला है, ना ही कोई सुनवाई होती है। एक तरफ महामारी अपने पैर इतनी बुरी तरह से दुनिया में पसार रही है, गंदगी को लेकर के सरकार और हर व्यक्ति पूरी तरह से जोर शोर से संघर्ष करने पर है। कोरोना महामारी से सफाई के लिए सरकार रात दिन एक करे हुए है लोगों को अपील करने में, लेकिन यहाँ पर अगर गंदगी का ये हल रहेगा, नालियों में, सड़कों में, पानी में, अगर गंदगी का यही हल रहा, तो हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। सैकड़ों तरह की बीमारियाँ, कई तरह की परेशानियाँ यहाँ सामने आएंगी। अशरफ अली के साथ मैं आ रही हूँ।